सिपाही अजय यादव की हत्या का हुआ खुलासा। आगरा के थाना शमशाबाद में बीते दिनों हुई सिपाही की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने मुठभेड़ करके तीन शातिर अपराधियों को हिरासत में ले लिया है, जिनके पास से सिपाही की लूटी गई पिस्टल सहित दो पिस्टल और एक तमंचा बरामद किया गया है। आगरा के थाना शमशाबाद में तैनात सिपाही अजय यादव की हत्या 5 अप्रैल 2017 को तीन शातिर बदमाशों द्वारा गोली मारकर कर दी गई थी और तीनों शातिर अपराधी मौके से फरार हो गए थे। सिपाही की हत्या के बाद पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया और अपराधियों की धरपकड़ के लिए आगरा पुलिस कप्तान द्वारा कई टीमों का गठन किया गया। सिपाही के हत्यारों की तलाश में पुलिस टीमों ने कई जगह द्विज दी और अजय सिपाही की हत्या का खुलासा करते हुए आगरा पुलिस ने तीन शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया है, जो कि राजखेड़ा क्षेत्र के रहने वाले बताए जा रहे हैं। पकड़े गए अपराधियों में से मृतक अजय सिपाही की लूटी हुई पिस्टल और घटना में प्रयोग हुई मोटरसाइकिल सहित दो पिस्टल और एक तमंचा बरामद किया गया है। आगरा पुलिस द्वारा तीनों शातिर अपराधियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्यवाही करते हुए उन्हें जेल भेज दिया गया है। पेश है आगरा से अमित शर्मा की एक रिपोर्ट। देखिए, आप सब लोगों के संज्ञान में है, जैसे कि 5 तारीख को बड़ी दुखद घटना और यहाँ शमशाबाद थाना क्षेत्र में हुई थी। हमारे पुलिस टीम का एक कांस्टेबल जो शमशाबाद थाने में तैनात था, वो अपराधियों की पतारसी सुरागरसी में अपने क्षेत्र में घूम रहा था। उसी समय सूचना मिली, बाद में हमें सूचना मिली कि एक अजय जो हमारा कांस्टेबल है उसको बदमाशों के द्वारा उस पर फायर किया गया, जिसमें वो घायल हो गया, जिसके बाद उसको उपचार के लिए यहाँ राजा थाना हरी पर्वत में उनको इलाज के दौरान लाया गया, जहाँ उनकी मृत्यु हो गई। इसी घटना को वर्कआउट करने का प्रयास लगातार हमारी टीमें कर रही थी। इसमें 3 अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं, इनका पहले से भी आपराधिक इतिहास हमारे क्षेत्र में भी और अन्य थाना क्षेत्रों में भी वो पता किया जा रहा है। ये 3 जो अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं, इसमें योगेश उर्फ खन्ना, रंजीत और देवा, ये राजाखेड़ा थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं और इनसे जो अजय कांस्टेबल से जो इन्होंने सरकारी पिस्टल लूटी थी वो भी बरामद हुई है। उस घटना में जो प्रयुक्त मोटरसाइकिल थी वो बरामद की गई है और प्लस जिस अवैध असले से इन्होंने उस पर प्रहार किया था, उस पर फायर किया था, वो असला बरामद हुआ है और अन्य अवैध असले भी इनसे बरामद हुए हैं। ये तीनों जो अपराधी हैं, ये कुख्यात अपराधी हैं, इनका पहले लंबा आपराधिक इतिहास रहा है और प्लस एक और जो दुकानदार या व्यवसायी जो फतेहाबाद क्षेत्र के हैं उनसे भी रंगदारी मांगना और प्लस उस पर फायर करने का इन्होंने घटना कारित की है और इन सभी तीनों लोगों के खिलाफ, तीनों अपराधियों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। आवश्यकता पड़ी तो इनको पुलिस कस्टडी रिमांड पे लेके गहनता से इनसे पूछताछ की जाएगी और इनके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट और अन्य जो भी जघन्य धाराएं हो सकती हैं, जो धाराओं में इनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, वो कार्रवाई की जाएगी। पहले भी काफ़ी घटनाओं में ये इन्वॉल्व रहे हैं, इनका आपराधिक इतिहास मैंने दिया है, कई लूट की घटनाएं, कई एक्सटॉर्शन की घटनाएं और कई इस तरह के फायर करके रंगदारी मांगने की घटनाओं में ये संलिप्त रहे हैं और हम आसपास के जनपदों से व राजस्थान से भी इनके आपराधिक इतिहास कलेक्ट किया जा रहा है और जैसे ही वो कलेक्ट होगा आप लोगों को उपलब्ध करवाया जाएगा। आगरा पुलिस ने पहले भी कभी बदमाशों को गिरफ्तार किया है? इनमें से दो बदमाश जो हैं वो पहले भी गिरफ्तार भी हो चुके हैं अन्य इंसिडेंट्स में और प्लस उनके खिलाफ मुकदमे भी कायम थे। लगातार हमारी टीमें उनको गिरफ्तार करने का प्रयास कर रही थी, उनका पतारसी सुरागरसी करने का प्रयास कर रही थी।